एसएससी फेज 11 2023 लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी में, जिसमें हम लोग टीसीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना था। तो यहाँ तक क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने करा दिया था, अब मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कौन सा उद्योग अपना स्वयं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये हो गया रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्वयं का उपभोक्ता वाला उद्योग है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को मैं चलाऊंगा। AlCl3 में क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? 3। क्लोराइड यानी Cl, इसकी संयोजकता कितनी है? 3 है ना, 2 नहीं है, 3 है। तो क्लोराइड आयन की संयोजकता जो है वो 3 है, 1 है, 1। ठीक है, AlCl3 में क्लोराइड आयन की संयोजकता 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो डिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, और 1869 में डिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी डिजाइन की थी, 1869 में। 1869 में उस समय कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स थे। जब आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी डिजाइन की गई थी उस समय 63 एलिमेंट्स थे। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसी को हिंदी में शीतल पेय कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे कोका कोला है और भी सारे, थम्सअप है, सारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं कंपनियों के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बच के रहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाले कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें। टमाटर के सास को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जितने भी जेली लिक्विड्स हैं, जेली टाइप, ठीक है, या फिर लिक्विड्स जो हैं उसका जो है प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट ये फूड इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसका उपयोग भोजन को या फिर फूड्स को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने के लिए किया जाता है, लॉन्ग टाइम यूजबिलिटी के लिए। इन फूड इंडस्ट्री अगला क्वेश्चन, कैप्सिकम जो हो गया ये तो मिर्च का इंग्लिश नेम हो गया कैप्सिकम। कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटेनोइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले हैं? तो ये कैप्सिन जो है ये मिर्च में पाया जाता है, कैप्साइसिनोइड्स। मिर्च का इंग्लिश नेम होता है कैप्सिकम। कैप्सिकम इंग्लिश नेम होता है मिर्च का। तो कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटेनोइड्स और फिनोलिक्स और विटामिन्स जो है वो मिर्च में पाए जाते। मिर्च खाने से कलरा रोग नहीं होता है, कलरा, इससे बचने के लिए आप हरी मिर्च का सेवन किया करें। हरी मिर्च खाने से कलरा रोग नहीं होता है।
और मिर्च का हरा रंग भी कैप्सिकम के वजह से ही होता है, तो आप कैप्सिकम कहीं भी आए तो मिर्च की बात की जा रही होगी। एसिडिक ड्रेन क्लीनर, इसे मैं स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एसिडिक ड्रेन क्लीनर या अम्ल से बने होते हैं जो मोटे बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। तो ये सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसका इस्तेमाल एसिडिक ड्रेन क्लियर में। सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक, इनका उपयोग साबुन के मैल और इन सब चीज़ों में किया जाता है। ज़्यादा देर तक तो नहीं कह रहा है, 15 मिनट के लिए या उससे कम समय के लिए कह रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl हो गया। हाइड्रो CHLORIC, ठीक है, ये हो गया दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एक आदर्श गैस 1 मोल 273 केल्विन और 1 ATM दाब पर इतना लीटर का आयतन घेरता है, 22.4, ये लीटर है, कैपिटल L लीटर को डिनोट कर रहा है। आदर्श गैस 1 मोल, किसी भी आदर्श गैस का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल जो है वो यूनिट है गैस मापने का, और 273 केल्विन ये टेम्परेचर हो गया, और 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। इतने ताप पर कोई भी गैस 22.4 लीटर आयतन घेरता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेरिलियम का एक गुण है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है बेरिलियम। बेरिलियम का गुण है कि ये सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 1.33 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं। कैसे निकला है ये तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, CO में कार्बन का मास नंबर कितना हो गया, 12 यूनिट्स, और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हो गया, 16 यूनिट्स। तो रेशियो जब लेते हैं 12:16 का, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ऑक्सीजन, 1.33 ग्राम। बारह और 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28 ना, और 28 डिवाइडेड बाई 28 से फिर इनको ब्रेक करते 3:4 में, तो इतने ग्राम निकल कर आएंगे, क्योंकि वहां पे 1 ग्राम का कार्बन लिया गया था, यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन के लिए लगभग कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे अगर 4 ग्राम कार्बन लिया, 3 ग्राम कार्बन लिया गया है, तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना 3 ग्राम कार्बन के लिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 4/3, यहाँ से निकल जाएगा 1.33 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आने वाला गर्म, किससे आने वाला गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है, इसका आंसर तो नहीं लिखा है, इसे रब करके रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, कल आप चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 88.89 होता है, 88.89 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है शुद्ध जल से। कैसे निकला है देखिए, ऑक्सीजन ये H2O में, वाटर में ऑक्सीजन कितना है, ये है 16 यूनिट्स,
ऑक्सीजन का मास नंबर 16 यूनिट्स हो गया, हाइड्रोजन का मास नंबर 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, 2:16 का 1:8, ठीक है, 1:8 हो गया ना। ये कह रहा है कि शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है। अब शुद्ध जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो इनका सम कितना है, 18 यूनिट्स। ये 18 यूनिट्स है ना, 18 यूनिट्स में ये क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये जो है 2 यूनिट ये है हाइड्रोजन, और ये 16 यूनिट जो है ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। 2 यूनिट हाइड्रोजन है और 16 यूनिट्स ऑक्सीजन है। तो 16 यूनिट्स का और टोटल 18 यूनिट्स हो गया, तो 16/18 करिए, क्योंकि 16 यूनिट ऑक्सीजन है, टोटल कितने में से, 18 यूनिट्स में से, डिवाइड करते हैं 8/9, ठीक है, 8/9, 1/9 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 की वैल्यू 11.11, और ये पॉइंट दो डिजिट और आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11.11 हो जाएगा, ठीक है, 0.11, मैंने 11.11 इसलिए लिया, अब चूंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात करनी है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 11.11 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 0.10 लगाएं उसका 1/1, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.88। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज होगा, तो अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है जो 0.8 है, या फिर परसेंटेज में 88.88%, ये हो गया, यहीं से आया है 89 या फिर 88। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी के झरने बिजली संयंत्र उद्योग ए और बी और सी दोनों, बिजली संयंत्र और उद्योग दोनों में गर्म पानी के झरनों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, लिथियम है, जो चांदी की तरह होता है, चमकता है, पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया भी करता है और जल में हवा में जल्दी संचारित हो जाता है, यानी हवा में इसे नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये जल्दी ही आग पकड़ लेगा। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है, ये बाई तरफ है। अम्ल या क्षार को पानी से मिलाने पर क्या होता है, तो ये H3O+ पॉजिटिव और OH की सांद्रता में कमी आती है। आइसोपेंटेन जिसे 2-methylbutane भी कहा जाता है, आइसोपेंटेन को 2-methylbutane भी कहते हैं, एक श्रृंखला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र आइसोपेंटेन का C5H12 है, ठीक है, जिसे 2-methylbutane भी बोलते हैं आइसोपेंटेन को, आइसोपेंटेन ANE हिंदी में लिख देते हैं इसे, आइसोपेंटेन को 2-methylbutane भी कहा जाता है, 2-methylbutane आइसोपेंटेन का मेथ एथ ब्यूट उसके बाद पेंट आता है, तो 2-methylbutane या फिर आइसोपेंटेन। म्यूरेटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम भी है, दूसरा नेम है म्यूरेटिक एसिड, तो ये वन लाइनर है, इसमें कुछ करना नहीं था, इजीली आप याद रखिएगा। वन लाइनर का मतलब मैं वही, मेरे कहने का वन लाइनर का मतलब ये होता है कि आप उस क्वेश्चंस को रट लीजिए टंग पे। नाइट्रोमेथेन का सही नाम क्या है, H3NO2, CH3NO2, ये हो गया नाइट्रोमेथेन। किस सब्जी में एथोसाइनिन, ये लाल पत्ता गोभी
लाल गोभी जो होता है इसमें एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है और उदासीन होने पर बैंगनी जैसा बैंगनी कलर का होता है और क्षारीय पदार्थों के साथ नीले रंग का हो जाता है। तो नीलाल अम्ल नीले को लाल कर देता है, ये अम्ल का काम है। नीलाल अम्ल इसका नाम है, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था कि सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है और उदासीन होने पर बैंगनी और क्षार की उपस्थिति में नीला। लाल हो रहा है तो अम्ल है और नीला हो रहा है तो क्षार है और बैंगनी रह रहा है तो उदासीन है। लाल हो जाना का अम्ल हो गया, तो अम्ल के लास्ट में ल है तो ल से लाल याद रख लीजिएगा, ठीक है। हरा नीला ये दोनों हो गया, तो नीला के भी लास्ट में एल है ल है लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं है ना, तो ये हो गया क्षार। हरा में र है ना, नीला या फिर हरा इसमें र है तो र से आप क्षार याद कर लीजिए, ठीक है। और बैंगनी ये उदासीन, तो न है लास्ट में और बैंगनी में भी न है, तो ये याद करने का मैंने डिकोडिंग टेक्निक बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है लाल गोभी, जिसका उपयोग अम्ल क्षार लवण की पहचान में किया जाता है। लवण ही ना उदासीन होते हैं, लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, तो जब भी लवण की बात आएगी तो उसे उदासीन बोलते हैं, वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। एक्वारेजिया एक है, तो इसमें क्या है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। एक्वारेजिया प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया था कि 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का। आगे बढ़ते हैं, जहां यौगिक में मौजूद तत्वों को सोडियम धातु के साथ संश्लेषित, ये लग रहा है पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं। अच्छा ये इसका है क्या, जहां यौगिक में मौजूद तत्वों को सोडियम धातु के साथ यौगिक को संश्लेषित करके सहसंयोजक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये लेंस का परीक्षण करने में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है, यौगिक को संलयित करके सहसंयोजक रूप में इस्तेमाल किया जाता है लेंस के परीक्षण में। एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है, गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 31। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, Al2O3 13 होता है, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1313 होता है, ठीक है, याद करने का एक तरीका हो गया। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। GE ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम को GE से दिखाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो गैलियम, गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32। किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे क्लोरोफॉर्म, CFC होता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफॉर्म गैस के रिलीज होने से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, बनता है ये। आप फिलहाल में इसको याद रखिए, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है,
निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक और गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणु परमाणुविक मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट 16 ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं जिनको 18 के जिन्हें नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैसेस, ये ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो नोबेल गैसेस में आती हैं, उन्हें नोबेल गैस कहते हैं। वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते, गैर अभिक्रियाशील है, गैर अभिक्रियाशील हैं और कम क्वथनांक के हैं, और एक परमाणु चूंकि किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं इसलिए एक परमाणु के एलिमेंट हो गए। कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्थान पर है? इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन और टेनेसिलिन, TS। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये है हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इनके इनकी वैलेंसी क्या होती है, -1 या फिर +7 हैलोजन की, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखिए ग्रुप 17 में लास्ट में 7 भी है, तो याद भी आप रख सकते हैं। और इन्हें हैलोजन में रखा जाए, हैलोजन ग्रुप में। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है यूरेनियम। यूरेनियम के दो हैं, इन्हें यू से डिनोट करते हैं, 92-232 और एक 92 है ना। यूरेनियम 239 है कि 234 है, यूरेनियम 234, ठीक है, 234 और एक है यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है 233 है, अभी 5 है, 235 अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल में। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे कोबाल्ट संबंधित है। कोबाल्ट जिसे CO से डिनोट करते हैं, ये ग्रुप 9 से है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखिए ये पूछ दे रहा है कि ये किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो कोबाल्ट जो कि CO से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल O है, तो इसमें ये ग्रुप 9 से रिलेटेड है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरात्र पथ GI टैग द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ट्रैक्ट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, एक कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरात्र पथ GI टैग द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत पथ को स्वस्थ रखता है, ये फाइबर। तो जो भी रेशेदार सब्जियां हैं उनमें फाइबर पाया जाता है, रेशेदार साग सब्जियों में फाइबर पाया जाता है। ये दोनों सही थे, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, तो ये दोनों सही थे। अगला बोलते आगे बढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्व के गुण के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान है? ये डोबर्नियर का त्रिक नियम। ये तीन एलिमेंट लेता था और फिर देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन एलिमेंट्स लिया है ना, तो आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए डोबर्नियर का त्रिक नियम। ऐसे एक अष्टक नियम था न्यूलैंड का, अष्टक नियम, तो मैंने याद किया कि न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, उनका रूल तो था वो ऑक्टेक रूल था 1815 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है IMD के एग्जाम में, न्यूलैंड, ये 65 है न्यूलैंड का ऑक्टेक रूल या फिर अष्टक नियम। उसी तरह डोबर्नियर का त्रिक नियम जिसमें तीन एलिमेंट्स लेता था उनके समान गुणों को व्यवस्थित करके
और पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था। ये लोग पीरियोडिक टेबल के डिजाइनिंग के लिए, एक मेंडलीव साइंटिस्ट है जिनकी अभी पहले जिक्र हुई थी, वो 1869 में पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मेंडलीव 1869 में मैंने लिख दिया। चलिए अगला, उस शब्द की पहचान करें जो आवाज सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निरूपित करता है। तो क्षैतिज को डिनोट करने वाला आवर्त है और ऊर्ध्वाधर को डिनोट करने वाला जो हॉरिजॉन्टल है इनको जो डिनोट करता है वो होता है कॉलम। आवर्त सारणी में क्षैतिज को कौन डिनोट करता है? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को कॉलम। एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फॉरेनहाइट से शुरू होती है? चीनी से पानी निकलती है और चीनी को मीठे मज़ेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है। तो ये कैलेमराइजेशन है। पाश्चुरीकरण भी एक हम लोगों ने पढ़ा था। पाश्चुरीकरण में ये था कि दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड्स के लिए अगर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उसे बोलते हैं पाश्चुरीकरण। तो हमने याद करने का तरीका बताया था कि घरों में हम लोग दूध उबालते ही हैं, तो अगर हम लोग उसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 15 से 30 सेकंड के लिए उबाल दें तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को पाश्चुरीकरण बोलेंगे। और एक हो गया कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन क्या हो गया? जब चीनी को 320 फारेनहाइट, ये भी टेम्परेचर मेजर करने का एक यूनिट है, फारेनहाइट सेल्सियस, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस हम लोग के मानव शरीर का तापमान होता है, तो कैलेमलाइजेशन में होता है चीनी का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो जहाँ भी चीनी के साथ रिएक्शन और उसके शुद्ध करने के प्रोसेस की बात की जाएगी तो कैलेमलाइजेशन वहाँ पे आएगा। एक होता है मांस पकाने की प्रक्रिया। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक कॉन्सेप्ट, मांस पकाने की प्रक्रिया। ये होता है मैलार्ड रिएक्शन। मांस पकाने की अभिक्रिया को मैलार्ड रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन TCS का आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया? एंटोनी लेवाजियर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका खोज करके फ्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया, ये हो गया एंटोनी लेवाजिए। अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्ण के रूप में किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? ये इलेमेनाइट से, इलमेनाइट जो है ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये इलमेनाइट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये इलमेनाइट खनिज से प्राप्त होता है और टूथपेस्ट में वर्ण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री भूरे और लाल शैवाल में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है? ये हो गया हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स जो हैं
वो समुद्री भूरे और लाल शैवाल में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों है। हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, समुद्र में क्या होता है जल होता है, तो वहाँ से याद आप कर सकते हैं कि हाइड्रोकोलाइट्स जो है वो लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जिनमें जल धारण क्षमता होती है। भूरे और लाल शैवाल जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करें, ये लिटमस विलयन, लिटमस विलयन थैलोफाइटा संभाग से के पादप से निकाले गैविलियन है लिटमस। लिटमस पेपर क्या करता है, वो अम्ल और क्षार की पहचान करता है, लवण की भी करता है, कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। अगर लिटमस पेपर लाल कलर का हो जाए, आप अम्ल में डुबोएंगे तो लाल रंग देगा तो अम्ल हो गया, क्षार में डुबोएंगे तो नीले रंग का देगा वो क्षार हो जाएगा, और लवण में डुबोएंगे तो कोई कलर नहीं देगा, चेंज नहीं होगा उसके कलर में, जो पेपर का कलर होगा वैसा ही निकल कर आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो हो गया उदासीन लवण। लवण क्या होता है, उदासीन होता है। किस कण के किस धातु के कण 357 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ये पारा। पारा को 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो गैस अवस्था में बदल जाएगी। सोलम, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, निम्नलिखित में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है, ये टमाटर का। टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, ये टमाटर का साइंटिफिक नेम है। नींबू के रस में जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाने वाला जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और धर्मकक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोएथेन। ये क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है इसे भी रखते हैं, रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। CHCl3 अगेन रिपीट कर गया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। व्हाट हैपेंस टू द सैलिनिटी एट सरफेस ऑफ द ओशियन, व्हाट हैपेंस टू द सैलिनिटी एट द सरफेस ऑफ द ओशियन इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवोपोरेशन, इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवोपोरेशन। ये क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर। क्लाउड बर्थोलेट, क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ, यानी ये साइंटिस्ट हैं क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ, मेथड डी नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका नेमिंग करने का जो सिस्टम है, नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की जिसने पदार्थों के नामक नामकरण की आधुनिक पद्धति का निर्धारण किया, एंटोनियो लेवाजियर। एंटोनियो लेवाजियर ने क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ मेथड डी नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर जो है केमिकल्स का जो नेमिंग है, कौन सा केमिकल टेट्राक्लोरोमेथेन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, तो जो भी नेमिंग है ये सब एंटोनियो लेवाजियर ने मॉडर्न पद्धति का निर्धारण किया था। नेमिंग की जो मॉडर्न पद्धति है उसका जो निर्धारण किया था एंटोनियो लेवाजियर। ओलियो गम रेजिन हींग को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता, फेरुला के मूसल जड़ के सूखे लैक्टस से, फेरुला के मूसल जड़ के सूखे लैक्टस से ओलियोगम रेजिन हींग को प्राप्त किया जाता है। बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर
बुरादे का इस्तेमाल किस में मिलावट के लिए किया? तो धनिया पाउडर में मिलावट यदि करनी है तो बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए मिलावट करने वाली बातें आ गई कि हल्दी में मिलावट करना था तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, सोडियम बेंजोएट का नहीं, लेड क्रोमेट का। लेड क्या है? सीसा। इसका इस्तेमाल हल्दी में मिलावट करने में किया जा रहा था। उसी तरह यहाँ पे धनिया पाउडर में क्या मिलाया जा रहा है? तो ये मिलाया जा रहा है बुरादे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना की पहचान करें, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH कहते हैं, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। एल्कोहल या फिनॉल जैसी किसी भी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? एस्टर। एल्कोहल या फिनॉल जैसी किसी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? वो है एस्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 37 है? ये रुबिडियम का, जिसे RB से दिखाते हैं, रुबिडियम को। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 37। गैलियम का मैंने बताया था 31 एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का 32 और ये हो गया रूबीडियम 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इस्पात के निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है? ओटाई। गाइनिंग जो है ये इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्राजर्म से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? तो ये हो गया मरकरी। मरकरी का ग्रीक नेम है हाइड्राजीरम, जिसका अर्थ है तरल चांदी और ये इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद क्रिस्टल कार्बनिक अम्ल है जो अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय जिलेटिन, डेसर्ट जैम, जेली और कठोर खट्टे मिष्ठानों में एक अम्ली कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये हो गया टार्टरिक एसिड जो कि किस में पाया जाता है? इमली में भी ये एसिड पाया जाता है। इमली का खट्टा होना, एसिड क्या होता है? खट्टे होते हैं स्वाद में, तो यह मैंने स्वाद के लिए ऐड किया है कि इमली खट्टी होती है और इसमें टार्टरिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, उस शब्द की पहचान करें जिसका आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो देखिए ऊर्ध्वाधर मैंने बता ही दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और उसमें जो उसको बोलते हैं समूह, ग्रुप या फिर कॉलम। बैक्टीरियम 64 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरियम फैलेजम, लाइन बाय लाइन मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। बैक्टीरियम फ्लैजेलम तीन प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है। बैक्टीरियम फैलेजम जेलम ये तीन प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों से शामिल नहीं है? तो ये हो गया टार्सो। टार्सो जो है वो बैक्टीरियम फैलेजम जो कि तीन प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी है, इसमें शामिल नहीं है। रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फ्लोएम प्लास्टिक में, तो ये पूरा लग रहा है क्वेश्चन नहीं लिखा पाया, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें लोहा है, Fe। तो Fe ग्रुप 8 में है। अगला क्वेश्चन, इसका नाम फेरस भी है।
एफई ग्रुप 8 में, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन, प्रीवियस स्लाइड में भी आया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़ प्लेसर और तट पर विशेष रूप में समुद्र तटों में नहीं पाया जाता, ये बॉक्साइट, ये नदियों और समुद्रों में के तटों पर नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक IUPAC नेमिंग, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नामांकन के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाता है, ये मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। रूट वर्ड क्या डिनोट करता है किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नेम, IUPAC नेम है, जैसे लैटिन भाषा है तो कहते हैं ना कि लैटिन नेम क्या है इसका, ये ग्रीक नेम है, उसी तरह एक IUPAC जो कि सभी साइंटिस्टों ने लेवाजियर एंटोनी और जो साइंटिस्ट थे उनके साथ मिलके IUPAC नामक्लेचर बनाए थे, उनमें जो रूट शब्द होता है इसका प्रयोग क्या क्या बताता है, ये मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। मेंडलीफ क्या हुआ सारणी में तीसरे समूह में, समूह ये तीसरा समूह है, कि किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, एका अल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 68 था बाद में इसे गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, लेकिन गैलियम जो है Ga से डिनोट करता है, इसका ये मास नंबर है, ठीक है, गैलियम ये द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की बात की जा रही है ना, 68, गैलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 31 है। अब तीन थे एलिमेंट थे जिनको एका के साथ डिनोट किया जा रहा था और बाद में नाम इनका बदला गया, वो मैं बता देता हूँ, एक था एका, एल्यूमिनियम, एक एका बोरान और एक एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है, फर्स्ट एका एल्यूमिनियम, दूसरा एका बोरान और तीसरा एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम को गैलियम का नाम दिया गया, एका बोरान को स्कैंडियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है और जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप रसोई में किस उपचाई प्रक्रिया द्वारा दही, पनीर और सावरकूट जैसे भोजन पका सकते हैं, ये किण्वन के द्वारा, किण्वन के द्वारा रसोई में आप दही, पनीर और सावरकूट जैसे भोजन बना सकते हैं। सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है जिसमें तरल में सनसनाहट जैसे बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है, साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ये भी क्वेश्चन TCET का है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता है, आस्वादन, आस्वादन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है। नहीं वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा समझदारी से करिएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है जिसमें समान मात्रा में आयरन और आयरन का 2 और आयरन का 3 होता है, यानी Fe2 और Fe3, इसका मतलब है Fe2, ठीक है, और इसका मतलब है Fe3, जो मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में की जाती है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का इस्तेमाल इस्पात के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया, सेंधा नमक, सेंधा नमक जिसका उपयोग, जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें होता है मैग्नीशियम जिसे Mg से डिनोट करते हैं, सल्फर
एस और ऑक्सीजन और इसका यूज मांसपेशियों को आराम देने, कंधे, गर्दन और पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ, यानी आप सेंधा नमक को पानी में डाल के डिटॉक्स बाथ ले लेंगे, जिसमें क्या क्या होता है सेंधा नमक में, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, सेंधा नमक को एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है। ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये है कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों सब्जियों में होने वाले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जो है, ये एंजाइम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, इसका उपयोग किया जाता है जो भोजन का रंग भूरा, जिसके कारण भोजन का रंग क्या होता है, भूरा पड़ जाता है। ठीक है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। अगला क्वेश्चन, किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग है। ये जॉन डाल्टन, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ये लॉ था, जिसने ये जो ये कहता था, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर क्या कहता था कि आप अलग अलग गैसों का मिक्सचर ले लेते हैं, सपोज करिए गैस नंबर वन, ये वन है, ये गैस नंबर टू है, ये गैस नंबर थ्री है, ये गैस नंबर फोर है, और इसका एक मिक्सचर है, ठीक है, चार गैसें हैं इसमें, चार गैसों का मिश्रण मिक्सचर ये लेते हैं, तो इसमें जो पूरे बर्तन का जो प्रेशर होगा, ये क्लोज्ड एक बर्तन है, इसका जो टोटल प्रेशर होगा पीटी, ये अलग अलग गैसों का जो पी वन गैस की वजह से जो प्रेशर आया, P2 गैस की वजह से जो प्रेशर आया, और P3 P4 के जब से जो प्रेशर आया उसके बराबर, इसे बोलते हैं डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, जो जॉन डाल्टन ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो हम लोग के पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी हमारे शरीर में एसिड भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका उपयोग भोजन के पचाने में किया जाता है। 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों में से बना धातु सल्फेट एक मंदक रिटार्डेट तिक्ष मोर्डेक और अस्तंभ एस्टीजेट की भूमिका निभाता है। पोटासियम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 का होल ट्वाइस, K2SO4 L2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 10^4 H2O, पोटासियम का फॉर्मूला ये होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O ये होता है पोटास एलम। इसे फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकरी या फिटकरी, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाप ये हो गया। निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम की व्युक्ति एक एंग्लो मैक्सन शब्द से हुई है और इसका प्रतीक चिन्ह लैटिन शब्द ओरम से आया है। ये सोना, जैसे AU से डिनोट करते हैं,
इसका लैटिन वर्ड का नेम क्या होगा, ओरम, ए ओरम वर्ड है, ठीक है। भाप आसवन की एक तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है, भाप आसवन एक तकनीक है, इसका उपयोग करके किस पदार्थ का पदार्थ को अलग अलग किया जाता है, किस प्रकार के, ये भाप वाष्पशील जो पदार्थ है इसका उपयोग करके अलग किया जाता है। गोल्ड, सोने का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 79, स से सोना और स से 79 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक पर फ्यूमिगेट, अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक के रूप में और लेयर्स में ज्वलित करने के लिए वाले कारक के रूप में किया जाता है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, फॉस्फेफ्लेयर और फॉस्फेफॉस्फाइड। और एल्युमिनियम के हम लोग घर में क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, तो आप देखिए चावल वावल बनाया जाता है वो एल्युमिनियम के कुकर में बनाया जाता है, तो आप वहाँ से याद करिएगा कि अनाज में, अनाज की कीटनाशक, अनाज में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनका नाश करने के लिए कीटनाशक और धूमक फ्यूमिगेट के रूप में एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग करके परिणामों को कब प्रकाशित किया था, परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित है और यह सघन अक्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है, ठीक है, तो परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित है, ये रदरफोर्ड ने बताया था 1911 में, जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, ये कोल्बे, कोल्बे रिएक्शन भी होता है, कोल्बे एक रिएक्शन होता है, और पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण ये कोल्बे ने दिया था, और कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोल्बे रिएक्शन में कार्बन CO2 प्लस सोडियम फिनोक्साइड यानी CO2 और सोडियम फिनोक्साइड का जो रिएक्शन होता है इसे ही बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे क्या है, एक साइंटिस्ट है। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ, मेथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि से बिना द्रव अवस्था में गए सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है, आप कपूर पूजा करते होंगे तो जलाते होंगे, तुरंत ठोस से क्या होता है सॉलिड फॉर्म से तुरंत गैस में बदल जाता है ना, ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, इसमें सूखी बर्फ, मेथबॉल, आयोडीन के क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक, यानी जिंक युक्त यौगिक, आयोडीन के क्रिस्टल और मेथबॉल, सूखी बर्फ, ये सब डायरेक्ट बिना ठोस से द्रव में बदले गैस में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया, अमोनिया, NH2CONH2 अमोनिया का फॉर्मूला है जिसका नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है ना, व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है और ये औद्योगिक प्रक्रिया से हम लोग के पेशाब में भी अमोनिया ही है, अमोनिया पाया जाता है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में भी अमोनिया का छिड़काव करते हैं हम लोग कृषि में, खेतों में अपने। 1817 में डोवर्नियर ने त्रिक नियम दिया था, ये डोवर्नियर का जो त्रिक नियम था जिसमें तीन जो है एलिमेंट्स को लेकर उसके जो है कोरिलेटिविटी को बनाया था वो, और ये पीरियोडिक टेबल के लिए बनाया गया था डोवर्नियर का त्रिक नियम, ये 1817 में बनाया गया था। तो रिपीट कर गया क्वेश्चन ना, पहले भी बताएं हम, 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है, गर्म करने से किसी जीवित जीव या अजीवित जीव के किसी भी भाग की सहायता से
के बिना ही यूरिया का उत्पादन हो सकता है, फ्रेडरिक वोल्हर। तो प्रयोगशाला में यूरिया बनाने वाले पहले साइंटिस्ट थे जो प्रयोगशाला में यूरिया बनाए थे। उसके पहले लेबोरेटरी में यूरिया किसी ने नहीं बनाया था। यूरिया ऐसे ही जैसे हम लोग के जो पेशाब है, जंतुओं का पेशाब है, उसमें पाया जाता था। ये प्रयोगशाला में यूरिया बनाने वाले पहले साइंटिस्ट थे जिनने 1828 ईस्वी में, ये रिमेम्बर रखना है, यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया था जो फ्रेडरिक वोल्हर ने, ठीक है, जिसमें क्या क्या इस्तेमाल किए थे, NH4Cl और सिल्वर साइनाइड, AgS, Ag2S है। सॉरी, साइनाइड का क्या होता है, SN साइनाइड, ये सल्फर हो जाएगा ना, साइनाइड का CN होता है, Ag2AgCN होना साइनाइड का होना, ठीक है, CN ग्रुप होता है साइनाइड में। तो वहाँ पे एक हो गया एक और ये हो गया CN, ठीक है। Ag क्या होता है, चांदी। तो सिल्वर साइनाइड, सिल्वर और NH4Cl, इसको मिलाने से NH2CONH2 अमोनिया बना रहा थे, ठीक है, अमोनिया NH2 यूरिया CO, अमोनिया नहीं NH2, NH2 है CONH2, यूरिया अमोनिया लिख दिया था मैंने, इसलिए NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, लेकिन यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो ये सिल्वर साइनाइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर वोल्हर ने प्रयोगशाला में पहली बार, फर्स्ट टाइम 1828 में बनाया था। अगला स्लाइड, मेंडलीव के आवर्त सारणी में के अनुसार कोयले का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या है, मास नंबर है कार्बन का। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, वनों की कटाई से वायु प्रदूषण अन्य कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है, तो गलत है ना, अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग वाहनों से, घरों में जो यूज कर रहे हैं, फ्रिज, उससे भी निकलता है, एसी, एयर कंडीशन से भी निकलता है, ये सब कहाँ से बढ़ जाएगी इन सबों की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बाद लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु से में नहीं निकलने देता है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड, अधात्विक अघात वर्धनीय, अधातुएँ अघात वर्ध होती हैं, तो ये गलत है, बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो अधातुएँ अघात वर्धन अघात वर्ध होती है गलत, कैंसर जैसी। तो कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है, कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं और CO का एटॉमिक नंबर क्या है, 60। तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में, कैंसर थेरेपी में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, इससे गामा रेज निकलती है। गामा क्या है, रेज है, जो हाई एनर्जी की होती है। ये कोबाल्ट 60 है जो कि ये मास नंबर है, ये ठीक है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है, ये मास नंबर है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्तसारणी हो गया, आगे चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग घरों में चूना कली करवाते हैं, तो जब सूख कर वो चमकने लगता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वैसे ही संगमरमर के जो पत्थर होते हैं, चूना के जो पत्थर होते हैं, जैसे चूना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि उसको लोग बुझा हुए चूने को जब सुखा दिया जाता है तो पत्थर फॉर्म में बन जाता है, वो चमकता है वो, और खड़िया, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया यानी चौक, जैसे आप लोग पहले स्कूल में पढ़ाई किए होंगे तो उसमें जो चौक होती थी सफ़ेद कलर की, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता था। निम्नलिखित में से किस यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, अचक्रिय यौगिकों को, अचक्रिय यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक के नाम से जाना जाता है, एथेनोइक एसिड, ये एसिड को और किस नाम से जानते हैं, एथेनोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी एथेनोइक एसिड जो है एसिडिक एसिड का अन्य रूप है।
चीटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, तो एथेनोइक और मेथेनोइक में कंफ्यूज ना होइएगा, चीटी के डंक में मेथेनोइक एसिड में पाया जाता है एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को ओजोन है ना, जो पृथ्वी के सतह से सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों से बचाती है, ये हो गया तन्यता। धातुओं का वह गुण है जिसके कारण वो तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, चांदी का तार बना के लोग उसको ज्वेलरी वगैरह में डिजाइन करते हैं, ये धातुओं का वह गुण है जिसके कारण तार बनाया जा सकता है, तन्यता का गुण होता है धातुओं में। ठीक है, लैक्टिक एसिड, दूध लैक्टिक लैक्टो दूध में क्या होता है, लैक्टोबेसिलस। दूध किससे मिलके बना है, लैक्टो बेसिलस। और दूध में जो एसिड पाया जाता है उसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या एक है, ये हाइड्रोजन हो गया, रिपीट इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन, किचन से निकलने वाले, अच्छा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, किचन से निकलने वाले कचरों को भी शामिल करते हुए पौधे और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तन कंपोस्टिंग नहीं होता, पहले कंपोस्टिंग टैंक लगाते थे घरों से, जो किचन से जो भी कचड़े निकलते हैं उन सबको एक जगह टैंक में इकट्ठा करके और सड़ा दिया जाता था, तो उससे कंपोस्ट खाद बनता था जिसका उपयोग खेतों में छिड़काव करके पौधों की जो है उपजाऊ क्षमता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाया जाता था। केचुओं का उपयोग रसोई के कचरे में से खाद बनाने की विधि में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब केचुआ, इसका साइंटिफिक नेम होता है केचुआ का वर्मिंग, वर्म्स मतलब इंग्लिश नेम भी होता है केचुआ का वर्म्स, और इसका यूज किया जाता है रसोई के कचरे को खाद बनाने में, केचुओं का इस्तेमाल। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। कौन उपधातु है मेटलॉइड, तो बोरान, ये बोरान जो है उपधातु है, ये कौन सा उपधातु, ये बोरान है। एक्वारेजिया, इसमें क्या होता है, तीन यूनिट्स HCl के होते हैं और एक यूनिट HNO3 का, देखिए कितना रिपीट करता है TCS क्वेश्चन SSC। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर को मेजर करता है, वायुमंडल में जो मॉइस्चर है इसको मेजर करता है, मॉइस्चर फिक्स मॉइस्चर को कर दिया जाए ह्यूमिडिटी को और प्रेशर को तो ओसांग टेम्परेचर निकल के आता है। मेंडलिक की आवर्त सारणी, ये भी हो गया, फिर रिपीट किया तो क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। हाइड्रोजन फिर रिपीट कर गया, H से डिनोट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर एक है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe आयरन, फिर इजी क्वेश्चन। पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने को कहा जाता है अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय जब चट्टानों के टूटने से हो पृथ्वी के सतह पर अपक्षय बनता है, नियॉन हो गया जो कि पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस है, Ne से डिनोट करते हैं नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान आयतन का, बॉयल्स लॉ, मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट्स में भी, तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं साइट्स में आपको बताता हूँ वो सवाल एग्जाम में आए हुए होते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 18 मैंने बताया हुआ है, S8 मास नंबर 18 होता है, एटॉमिक नंबर सल्फर का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर ये 16 होता है, ये गलत है, एटॉमिक नंबर नहीं है, यह मास नंबर है, परमाणु द्रव्यमान है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ना सल्फर आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है, तो S8, ये 16 जो है ये मास नंबर है सल्फर का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं नहीं ठीक था, ये मैं डाउट कर लिया था ऑक्सीजन में, ये सल्फर है, सल्फर का मास नंबर 16 ये और एटॉमिक नंबर जिसे S से डिनोट करते हैं, मास नंबर 32 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से के साथ
त्वरित अभिक्रिया करती है पोटेशियम। पोटेशियम जिसे K से डिनोट करते हैं, ये ठंडे जल से कोल्ड वाटर से त्वरित रिएक्शन करता है। महासागरीय अम्लीकरण, पृथ्वी के महासागरों के पीएच से निरंतर कमी आती जा रही है जो वायुमंडल के अंतर्ग्रहण से होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ऐसा महासागरों में जो अम्लीकरण है उसकी पीएच वैल्यू निरंतर कम होती जा रही है, यानी जो समुद्र है उसमें उसकी पीएच वैल्यू में कमी आ रही है। इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ रही है। पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से 14 के बीच में होता है। अब पीएच वैल्यू कम होना, 7 से अगर कम हो जाता है ना तो एसिडिक रेंज में आ जाता है। 0 to 7 जो है एसिडिक रेंज है, एसिडिक रेंज, ठीक है। जो 7 जो होता है ये वाटर का होता है, H2O का 7 होता है। तो 0 से अब एसिड की तरफ जा रहा है ना, पीएच वैल्यू कम हो रही है, तो उसमें जो जानवर है, मछलियां हैं, सब मर जाएंगे। फिर उससे वो कितना वेस्ट होगा, कितने प्रदूषण फैल जाएंगे, है ना। मछलियां ऊपर उठ के आएंगी पानी के ऊपर, और आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति होगी। और ये सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में बढ़ने से हो रही है। सिरका एसिटिक एसिड रिपीट कर गया ना, CH3COOH। ऑलवेज ही क्वेश्चंस रिपीट करता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। बेकिंग सोडा फिर रिपीट किया क्वेश्चन। इमली ऑक्जेलिक एसिड, इमली में ऑक्जेलिक एसिड नहीं पाया जाता। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। इमली में टर्टरिक एसिड पाया जाता है, टर्टरिक। ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में। इमली में कौन सी एसिड होती है, टर्टरिक एसिड होती है। एसिड कैसे होता है, खट्टे होते हैं। इमली कैसी होती है, खट्टी। पानी में चौक पाउडर क्या है, अघुलनशील होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, बैगनी। ये मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो बैगनी होता है जब वो उदासीन हो। उदासीन कौन होता है, वो लवण होता है। लवण कैसे होता है, उदासीन होता है। अगर लवण की जांच करनी हो लिटमस पेपर से तो उसमें कोई कलर निकल के नहीं आएगा। चाक पाउडर के बारे में भी बता दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले मार्केट से जो हम लोग चूना लेकर आते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे कली चूना बोलते हैं। जब उसको पानी में घोल दिया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी में घोला जाता है चूने को तो वो खूब तेज फड़कता है, उबलता है, उसके बाद फिर वो ठंडा हो जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जिसका इस्तेमाल फिर हम लोग पेंट के रूप में करते हैं। तो जो चूना पेंट होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और फिर उसको हम लोग अगर सुखा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो चौक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब चूंकि पानी में ऑलरेडी आपने उसका रिएक्शन कराया था, फिर सुखाया है उसको, तो अब फिर वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए वो जल में अघुलनशील है। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना। सोडियम क्लोराइड, इसे NaCl कहते हैं, ये साधारण, ये लवण है। NaCl एक लवण है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। निलंबन के रूप में साधारण नमक किसी का नाम है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहते हैं नमक। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये दोनों ही कथन सही है। पहला भी सही है कि यह विषमांगी मिश्रण है, और दूसरा भी सही है कि यह इसकी आंखों से देखा है, जैसे चीनी और पानी के मिक्सचर में, या फिर कुछ ऐसा लीजिए ना घोल जिसमें उसके एलिमेंट्स को देखा जा सके आंखों से। तो उसे जैसे दही और चीनी का मिक्सचर लीजिए, दही और चीनी, जिसमें आप देख सकते हैं ना चीनी को अलग अलग और दही को भी। तो ये हो गया चावल का, और इकड़ी नहीं होते है चावल में दानों में, जिसको बीनती हैं महिलाएं, और फिर उसको आप उसका चावल पकाते हैं, तो एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें एलिमेंट्स को अलग अलग देखा जा सकता है। तो ये निलंबन प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अशुद्ध जल, जिस सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है वो झरने का जल होता है। प्राकृतिक रूप से जो झरने गिरते हैं, वाटरफॉल्स नियाग्रा वाटरफॉल्स है, तो वाटरफॉल जो है वो सबसे प्योर जल होता है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, लिथियम। लिथियम जो तत्व है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। लिथियम का नोटेशन Li है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3।
चीनी के डंक में मैथेनोइक एसिड बता दिया था ना मैंने अभी ऊपर, कि चीनी के डंक में कंफ्यूज नहीं होना है कि एथेनोइक एसिड और मैथेनोइक एसिड यहाँ पे। तो देखिए मैं कोई इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, वो एक क्वेश्चन टीसीएस में आए होते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मैथेनोइक एसिड 6 नंबर क्वेश्चन। विंडो क्लीनर, विंडो विंडो मतलब खिड़की, खिड़की को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है खिड़की को साफ करने के लिए। तो जैसे ये एक नहीं आता है स्प्रे जिसका यूज करके हम लोग देखे होंगे कि टीवी के शीशों को या फिर ग्लासेस को विंडोज को साफ किया जाता है, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या होती है, एलिमेंट। इलेक्ट्रिक रूम हीटर नहीं होता है, रूम हीटर हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसमें जो तार की कुंडली होती है क्वाइल होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन का फिर रिपीट किया, क्रोमियम 24 Cr से डिनोट करते हैं क्रोमियम को जिसका एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से होता है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका क्या होता है, बालू। तो आप लोग देखे होंगे कि समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू होता है और फिर मैग्नीशियम भी होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है महासागरीय ऊपरी क्रस्ट में। एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट Na2SiO2 सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है ये सोडियम एल्यूमिनेट Na2। सोडियम एक अभिक्रियाशील सर्वाधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट है, इसे किस तेल में रखा जाता है, किरोसिन ऑयल में, किरोसिन ऑयल इसमें सोडियम को रखा जाता है क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होता है, हवा में आने पर तुरंत रिएक्ट करके जल जाता है। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी एलिमेंट कितने कितने परसेंट है, एक तो सोडियम, एक तो नाइट्रोजन है जो 78% हो गया, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है मैक्सिमम, फिर कार्बन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना है 21%। ठीक है, कितना हो गया 78 एक 79 और 2 90, बाकी जो गैसेज होती हैं कार्बन और अन्य गैसेज जो हैं, ठीक है ये रेस्ट ऑफ आती हैं, तो कितना हो गया 9, कितना हो गया 1, 1% 1% हो गया, इतना कम है सोचिए, बाकी गैसेज सिर्फ 1% है, ऑक्सीजन 21% है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में टमाटर में है ना, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तभी तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो लेडीज होती हैं महिलाएं लड़कियां वो अपने चेहरे पर टमाटर को घिसती हैं कि चेहरा उनका चमक उठे, ऑक्सीजन स्किन में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या है इसमें ऑक्जेलिक एसिड है ऑक्सीजन है, और जो क्लीनिंग है डीप क्लीनिंग के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है चेहरे पर। ये क्या है पालक में पाया जा रहा है, टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरचना और काला पदार्थ है, ये कार्बन का शुद्ध रूप है कोक, कोक जो है ये कठोर और संलग्न संरचन काला पदार्थ है जो कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। तो ये विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी से क्या होता है, कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं का विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। और कैंसर के उपचार में कौन सा एलिमेंट क्या होता है, कोबाल्ट 60 जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पांचवा है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी इजी क्वेश्चन है।
बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जो आप मार्केट से बैटरी वाटर लेकर आते हैं घरों में इन्वर्टर्स में, जो बैटरी में पानी का इस्तेमाल होता है उसमें H2SO4 होता है। आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं। आलू में स्टार्च के साथ साथ अभिक्रिया करके बाद में नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है आयोडीन। प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, ये क्वेश्चन सही से मेरे को लगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर स्लाइड, यही लास्ट स्लाइड अपन रखेंगे आज का। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं उसके स्थान पर ठंडे और अधिक सघन पदार्थ, ये संवहन की अभिक्रिया। जैसे पानी उबलता है तो ऊपर की तरफ आप, या फिर ऐसे इमेजिन करिए, तो ऐसे समझिए जैसे गर्मी के मौसम में आप लोग देखे होंगे कि बाहर जब पानी आप लोग खुला छोड़ देते हैं टब का, फिर बाल्टी का, या फिर ऐसे भी आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो गया होगा, तो ऊपर पानी एकदम गर्म होता है, लेकिन जैसे आप पानी गिराएंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप बाथ टब को बाहर छोड़ दिए, पानी एकदम गर्म हो गया, लेकिन आप पानी जैसे जैसे गिराएंगे उसमें तो फिर क्या होगा, नीचे आपको ठंडा पानी मिलेगा। पानी को अगर आप, या फिर ऐसे इमेजिन करिए कि ठंडे के मौसम में जब पानी आप लोग गर्म करते हैं, क्योंकि आप लोग को नहाना होता है और गुनगुने पानी से ही नहाना होता है, हमारे यहाँ तो गीज़र की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग अपना जो वो गर्म करने वाला आता है ना, उससे हम लोग गर्म करते थे, तो उसमें पानी गर्म जब होता था तो ऊपर वाले पानी को हम लोग क्या करते हैं, पानी में जैसे ही हम लोग बर्तन डाल के उसे नहाते थे, शरीर पे डालते थे, तो गर्म रहता था, लेकिन नीचे जैसे जैसे पानी ख़त्म होता था तो फिर नीचे हम लोग को ठंडा पानी मिलता था, उससे हम लोग को ठंड लगने लगती थी। तो आप यहाँ से इमेजिन करिए कि गर्म जो चीज़ें हैं वो ऊपर उठ के आती हैं और ठंडी चीज़ें नीचे होती हैं, और ये प्रक्रिया जो है ये संवहन की प्रक्रिया है। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% 8 तत्वों से बना है, जिसमें कौन सा तत्व इनमें से एक है, नहीं है, ये कार्बन। निम्न में से कौन सा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है, जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है, फॉरेंसिक साइंस। मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल, जैसे एक मूवी आई थी दृश्यम 2, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज वॉज द दृश्यम 2, अजय देवगन की 3। फिर एक और मूवी आई थी जो उस एक हीरो हैं उनका क्या नाम है, जिसने शादी में ज़रूर आना ये मूवी किया था, नाम तो उनका नहीं आ रहा है, शादी में ज़रूर आना वो हीरो थे, ठीक है, राजकुमार राव जो हीरो थे, वो भी, उन्होंने भी अभी एक फॉरेंसिक साइंस पे ही एक जो है फिल्म बनाई थी। तो मुझे फॉरेंसिक साइंस वाली फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे दृश्यम 2 वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो इसमें क्या होता है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी की तरह का विज्ञान एक अनुप्रयोग, सभी का, और कानूनी मामलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कुछ मर्डर हो गया तो वहाँ पे सबसे पहले, अगर कहीं भी मर्डर हो रहा हो या फिर कोई ऐसी घटना, कहीं कोई मर गया, ठीक है, रोड के किनारे आप लोग देख रहे हो, अपने आप ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर कहीं आपके अगल बगल कोई पता चला करे ये तो मर गए, किसी ने मार दिया, मर्डर हो गया इनका, अचानक ही डेथ कर गए वो, ठीक है, लग रहा है कि मर्डर का केस है, तो सबसे पहले आप जो पास का पुलिस डिपार्टमेंट होता है, आप क्या करते हो, कॉल लगाते हो पुलिस को, 100 नंबर पे डायल करके पुलिस बुलाते हो। आप पुलिस ना बुलाइए, मेरा मानना है कि सबसे पहले आप फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। आप गूगल पे सर्च करिए फॉरेंसिक टीम का नंबर, आपको अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का फॉरेंसिक टीम का नंबर मिल जाएगा, आप जिस भी स्टेट के, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप पहले उनको कॉल लगाइए, उनको बुलाइए, क्योंकि पुलिस वाले क्या होते हैं, आधे पागल होते हैं, मेरे को यही लगता है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे कम होते हैं, आएंगे सब एविडेंस को इधर उधर कर देंगे सब, ये सब सही से, इन सब पर विश्वास ही नहीं है। यूपी के पुलिस वाले उतने अच्छे हैं ही सब नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे मर्डर हो जाता है हमारे मोहल्ले में, अभी कुछ टाइम पहले मर्डर हो गया था, और ये लोग क्या करते हैं कि बात करते रहते हैं,
ये कैसे मर्डर हो गया, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये सब केवल बातूनी है सब, काम नहीं करेंगे सब, और एविडेंस भी आपका ख़राब कर देंगे सब, घुस के इधर उधर सब बिखराव कर देंगे सब। फॉरेंसिक टीम आएगी तो कैसे पता लगा पाएगी कि अपराधी कहाँ से आया, कहाँ पे मारा है, कुछ उसके डीएनए सैंपल्स अवेलेबल हैं कि नहीं बॉडी पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाइए, पुलिस को बुलाने की बिल्कुल ना के बराबर ज़रूरत है, ठीक है। निम्न में से कौन एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, मोल। मोल एक एसआई यूनिट है जो पदार्थ की मात्रा को मापता है। अवगाद्रो नंबर या फिर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक अवगाद्रो नंबर भी है। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन इज द अवगाद्रो संख्या। और इसकी खोज कब हुई थी, 1811 में, अवगाद्रो नंबर की खोज 1811 में हुई थी, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एक मॉलिक्यूल में 6.022 × 10⁻², ये पॉइंट है, ठीक है, 6.022 × 10⁻², ये मॉलिक्यूल्स एटम्स मतलब एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, इतने कण होते हैं, चाहे वो एटम के कण हो, मॉलिक्यूल्स के कण हो, यौगिक यानी कंपाउंड के कण हो, कोई चीज़ हो। अगर आप किसी इंसान को भी, चूँकि इंसान को तो इतना में नहीं ले सकते, पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसे रख लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻², कोई भी चीज़ ले लो, तो फिर आप उसे बोल सकते हैं ये एक मोल के बराबर है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टूथपेस्ट में बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया था, गैलेना का उपयोग नहीं किया था टूथपेस्ट बनाने में। किस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के साथ, ये तो ऑक्सीजन हो गया, जल बनाता है। हैलोजन के वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, बता दिए कॉन्सेप्ट में भी। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब हम लोग प्याज काटते हैं तो जो हम लोग के आँखों से आंसू आने लगते हैं ताजे कटे प्याज से, तो आने वाली गंध जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। प्याज काटने पर जो गंध आती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, जिसके कारण हम लोग के आँख में आंसू आने लगते हैं। और बैटरी वाटर जो हम लोग घरों में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका इस्तेमाल करते हैं। LED अर्धचालक तकनीकी में गैलियम धातु का इस्तेमाल, जैसे LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। फिजिक्स वाले सेशन में मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल। इसमें गैलियम जिसे GA से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 31 है, ठीक है, 31 गैलियम का एटॉमिक नंबर है। तो LED में गैलियम का इस्तेमाल होता है। 3 से 12 समूह वाले एलिमेंट्स जो हैं वो संक्रमण धातु डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोलते हैं, संक्रमण धातु। 3 से 12 समूह वाले जो तत्व हैं, 3 से 12 समूह वाले जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। जैसे सोना है, ठीक है, AU, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है, ये संक्रमण धातु है। आगे बढ़ते हैं, सोना, सोने की ज्वेलरी सभी लोग पहनते ही होंगे, महिलाएं घर में बहुत यूज करती हैं, ज़्यादा मैंने सोने की चीज़ों को लेडीज़ को ही पहनते देखा, कभी जेंट्स को मैंने देखा ही नहीं है कुछ सोने की सिकड़ी और ये सब पहनते हो, या कुछ भी सोने का सामान है ना, सोने की वॉच भी आ सकती है, लेकिन जेंट्स नहीं अफोर्ड करते हैं, ये सब काम लेडीज़ लोग करती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैस रूप में होता है, 11। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। गैस के रूप में सिर्फ 11 ही एलिमेंट्स हैं जो वायुमंडल में प्रेजेंट हैं, वायुमंडल में, ठीक है, लेबोरेटरी की बात नहीं हो रही है, वायुमंडल की बात हो रही है। खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग ये बेरियम के कारण आता है, खनिज से आतिशबाजी में हरे रंग का इस्तेमाल बेरियम में होता है। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार
धातुएं निम्न द्वारा अलग होती है, उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसेस मैंने बताई थी, तो उसमें अत्यधिक ऋणात्मक हैलोजन जो है, हैलोजन जो है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, 7 नहीं, जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ग्रुप जो है ये 17 है। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। हैलोजन के बारे में कॉन्सेप्ट स्लाइड में मैं नीचे बता दूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 अक्षांश डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परमाणुकता के आधार पर आर्गन निम्न में निम्न होता है, एक परमाणु है, आर्गन जो है वो एक परमाणु एलिमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है, फ्लोरीन और एल्युमिनियम के सिलिकेट को पुखराज का नाम दिया जाता है, हिंदी नेम है पुखराज, जिसमें फ्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। परमाणु के संदर्भ में आर्गन एक परमाणु हो गया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, ठीक है, सबसे अधिक तो नहीं होती है, ये गलत है, सबसे अधिक नहीं होती है, 10 होती है इसकी पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच पे भी मैं बता रहा हूँ अभी। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम, हीलियम, नियॉन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये नोबेल गैसेज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व लवण से अधिक घुलनशील होता है, तो लवण से अधिक घुलनशील ये सोडियम होता है, जो लवण से ज़्यादा घुलनशील है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों आवर्त, ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या है, अच्छा कॉन्सेप्ट स्लाइड ही ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। एक तो पीएच के बारे में, पीएच स्केल जो कि 0 से 14 के बीच में लाया करता है, जिसमें 7 जो है उदासीन होता है, 7 अगर वैल्यू आ रही है तो उदासीन होती है, और किसकी होती है, वाटर की, H2O की, और 14 तक जाता है, 14 मैक्सिमम होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का था, NaOH का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, H2O को हटा देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, ये 7 वाटर की होती है, जो कि उदासीन होता है, ठीक है। दूध जो होता है, इसकी पीएच वैल्यू 6.8 से 6.9 के बीच में होती है, जो दूध होता है जानवरों का, चाहे किसी का, ह्यूमन का भी, ये दूध जो होता है इसकी पीएच वैल्यू 6.8 से 6.9 होती है, ठीक है। ब्लड की पीएच वैल्यू भी मैं बता दे रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पीएच के बारे में बात हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैक्सिमम होता है, तो जो क्वेश्चन में आ रहा था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैक्सिमम, जिसकी पीएच वैल्यू 14 है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लड का पीएच वैल्यू 7 हो गया। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू 10 हो गई। दूध का पीएच वैल्यू 6.8 से 6.9 के बीच में होता है, ठीक है। अब चलते हैं जहाँ पे मैंने ये बताया था कि ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ये नीचे वाले स्लाइड पे, इसमें ग्रुप्स आ गए, GROUPS ग्रुप्स, तो ग्रुप 17 ग्रुप जो है, जिसमें 7 है ना, याद कराने का ये तरीका है, 17 यानी 17, 17 का मतलब हो गया 17, ठीक है। ग्रुप जो 17 है इसके बाहरी एलिमेंट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में, ये हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे क्लोरीन,
क्लोरीन आयोडीन एस्टेटिन, क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन एस्टेटिन, ये सब एलिमेंट्स हैं। और भी इनके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हैलोजन एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा एटॉमिक नंबर पे बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में कोबाल्ट था, जिसका कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के उपचार में हो रहा था, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है कोबाल्ट, और मास नंबर होता है 60, ये मास नंबर होता है। द्रव्यमान संख्या, हिंदी में द्रव्यमान संख्या इसे कहते हैं। अगला हो गया 31, ये गैलियम का, जर्मेनियम का 32, जर्मेनियम, ठीक है। फिर AU जिसे सोना बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 79, 7 है ना सोना और 79, अभी पता नहीं है कितना किलो रुपए सोना चल रहा है, कितना ग्राम, अदरवाइज में अगर ऐसा कुछ 69,000 होता तो फिर याद भी हो जाता, लेकिन 7 से सोना याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 82 तो लेड का बता ही चुके थे हम, 87 फ्रांसियम, 87 ये फ्रांसियम, ठीक है। आगे यूरेनियम का 92, यू और टू 234 और यूरेनियम 235, ये दो यूरेनियम के समस्थानिक हैं, 38 होता है, 35 और 38, 234 और 38 होता है, ठीक है, ये 35 नहीं था, 234 और 38 ये यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं। जो भी एटॉमिक बम हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। डायनामाइट का 102 था, जिसके डायनामाइट, इसी के नाम पे अल्फ्रेड बेनाल्ड नोबेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डायनामाइट। अब सेशन को एंड करेंगे, काफ़ी लंबा सेशन हो गया जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए गए, ठीक है, तो यहीं पे सेशन को द एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।